you are known to have special interest in the use of space technology for development as well. What role do you see for space technology for human welfare and development? मैं समझता हूँ कि जो good governance की चर्चा हो रही है, good governance में space technology बहुत contribute कर सकती है और कॉमन मैन के गुड्स के लिए सामान्य मानवी के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत सहज उपयोग हो सकता है. आज हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण वेदर प्रिडिक्शन में वी आर वेरी वेरी नियर टू 100% प्रिडिक्शन. अब ये सही है कि हम बता तो सकते हैं कि भाई 6 जून को ये होगा, मोटे तौर पर इस इलाके में होगा, लेकिन अभी हम उसको नैरो डाउन नहीं कर पा रहे हैं. हम स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ने वाला है कि हम स्पेसिफिक एक ही शहर के ये 200 स्क्वायर मीटर के अंदर ये होने वाला है, यहाँ तक स्पेस टेक्नोलॉजी कहने की संभावना होगी. अब ये चीज़ें मानव जात को कितनी उपयोगी इसका अंदाज कर सकते हैं. मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने हमारे स्पेस साइंटिस्टों को, इसरो हमारे अहमदाबाद में सेंटर होने के कारण मेरा जाना आना रहता था, मेरी एक बड़ी रुचि थी कि दुनिया में क्या बदलाव होता है देखने के लिए, तो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरे फिशरमैन के किया. पहले फिशरमैन फिशिंग के लिए जाता था तो बेचारा इतना दूर दूर जाता था, घंटों तक फिशिंग करता रहता था, कभी कमाता था, नहीं कमाता था, वापस आता था. फिश का एक स्वभाव होता है, जहाँ जाते हैं बड़े झुंड में जाते हैं और करीब 24 घंटे उसी इलाके में रहते हैं. तो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैच एरिया तय किए और नॉटिकल माइल और लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड की सूचना फिशरमैन को दी मोबाइल फोन पे. तो वो सीधा वहाँ जाता था, मछली पकड़ता था, 3 घंटे में वापस आता था, उसकी इनकम बहुत बढ़ गई.